हेलो, हाँ डीओ साहब, हम रोहित शर्मा बोल रहे हैं बिहारी क्लब न्यूज चैनल से। अभी हम आए हुए हैं सरस्वती मंदिर उच्च विद्यालय खटांगी में। अभी हम स्कूल पे ही हैं और स्कूल तो सर बंद है आज, कोई सरकारी छुट्टी है क्या? छुट्टी नहीं है, हो सकता है वहाँ के सारे एग्जाम जो एग्जाम चल रहा है ना। एग्जाम तो एक यहाँ का स्टाफ थे वो बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करने गए हैं। एक यहाँ स्टाफ है वो बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करने शायद गए हुए हैं एग्जाम को लेकर। जी तो सर हमारा स्टाफ यहाँ एक भी नहीं है, नाइट ड्यूटी जिनका है वो केवल एक ही है जो विकलांग बेचारे हैं वही है, बाकी पूरा विद्यालय बंद है, एक भी टीचर नहीं है। सर स्कूल तो खुला रहना चाहिए अगर कोई भी। ठीक है, हम देखवा लेते हैं क्योंकि कितने टीचर यहाँ पे आए हैं। टीचर यहाँ एक भी नहीं है और यहाँ कुछ छात्र आए हुए थे, 4-5 छात्र आए हुए थे, उनका कहना है कि 5-6 दिनों से स्कूल बंद है। सर बताइए, यहाँ कोई सूचना पर कुछ नहीं दिया गया है और काफी दिनों से स्कूल बंद। हेडमास्टर से सर बात कर लीजिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे छात्र आता है तो उनको सूचना मिलना चाहिए ना, स्कूल तो खुला रहना चाहिए। ठीक है सर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हम अभी आए हुए हैं खटांगी उच्च विद्यालय, सरस्वती मंदिर उच्च विद्यालय खटांगी। बिहारी कलम का जो अभियान चल रहा था शिक्षा सुधार अभियान, उसका आज पहला दिन है और हम आए हुए हैं बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल खटांगी में, जो प्लस टू राजकीय सरस्वती मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खटांगी, जिस जो आप देख रहे हैं ऊपर, जिसका स्थापना 1952 में हुआ है। बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है इस स्कूल का। हम बता दें कि इसका निर्माण 1952 में हुआ है और यहाँ आज के 40 साल पहले यहाँ छात्रावास हुआ करता था। इतना अनुशासन देखने को मिलता था इस स्कूल में और यहाँ बहुत दूर दूर से इस एरिया में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, अरवल, जहानाबाद, गया के, और इस स्कूल से कई प्रतिष्ठित पद पे ए ग्रेड के जॉब पर लोग स्थापित हैं आज के डेट में, और बहुत ही ऐतिहासिक इसका क्षण रहा है। और आइए, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं उनसे जानेंगे, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनसे जानेंगे कि स्कूल की भी क्या स्थिति है, यहाँ बच्चे शिक्षक आते हैं या नहीं। अभी देखने में तो लग रहा है उधर खंडहर है, उधर दिखाइए थोड़ा सा पूरा। अभी हम आए हैं तो एक नाइट ड्यूटी में एक स्टाफ है वहाँ, तो उन्होंने बताया है कि केवल अभी हम हैं, 4-5 दिनों से स्कूल बंद है, शायद सभी लोग कॉपी जाँच करने गए हैं और 4-5 दिनों से स्कूल खुला नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में कुछ छात्र मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या स्थिति है, शिक्षक आते हैं या नहीं। बाबू तुम लगाओ, कितना दिनों से स्कूल बंद है? स्कूल 4-5 दिन से बंद है। 4-5 दिन से बंद है। शिक्षक यहाँ कितने हैं? शिक्षक यहाँ 11 हैं। 11 हैं। डेली कितना शिक्षक आते हैं? डेली 2-3 आते हैं। 2-3 आते हैं और क्लास लेते हैं? 2-3 आते हैं। तो क्लास लेते हैं, कभी कभी 1-2 घंटे लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार है। लाइब्रेरी देखिए, पुस्तकालय कक्षा सामने दिख रहा है, पुस्तकालय कभी खुलता है कि नहीं? खुलता है, दो हफ्ते में 2-4 दिन खुलता है। 2-4 दिन खुलता है। पुस्तक है इसमें, किताब है? नहीं, पुस्तक नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। तुम लोग पुस्तकालय में कभी पढ़ने गया है? ये हाँ। पुस्तक है? नहीं, पुस्तक नहीं है। और जो भी मास्टर आते हैं पढ़ाते हैं ठीक से? हाँ, थोड़ा पढ़ाते हैं। पढ़ाने आता है ना कि ना आता है? पढ़ाने आते हैं। तो ये स्थिति है स्कूल की। स्कूल के बच्चे बता रहे हैं कि 4-5 दिनों से स्कूल भी नहीं खुला है और पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है। बताइए, एक समय में स्कूल में पुस्तकालय में 1500 पुस्तक हुआ करता था और आज स्थिति है कि पुस्तकालय 4-5 दिन में एक दिन खुलता है। साल भर से काम लगा हुआ है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। अभी तक रेडी नहीं हुआ है। कितना दिन से इसमें बंद है काम लगा हुआ? कभी करीब महीने दिन से बंद है। एक महीना से बंद है? अच्छा, एक महीना से देख रहे हैं आप। विद्यालय भी बंद है और जो भवन का निर्माण हो रहा था वो भी काम उसका भी बंद है। अरवल गए हुए हैं? सब अरवल गए हुए हैं। यहाँ स्कूल कौन खुलेगा? स्कूल में भी तो रहना चाहिए ना। खुलेगा? अच्छा अच्छा, ये जो पुराना बिल्डिंग है इसको थोड़ा दिखाओ। पुराना बिल्डिंग पहले क्या था, इसमें क्या होता था? पढ़ाई तो था। अच्छा, यहाँ जो पहले लाइब्रेरी था, यहाँ हॉस्टल था पहले, बहुत पुराना हॉस्टल, आज तक 30-40 साल पहले जो हॉस्टल चलता था यहाँ, वो किधर था? वो हम कहाँ बताएंगे। हम आप कितना दिन से हैं? 91 से। अच्छा, 91 से आप हैं। वही से हॉस्टल कहाँ चला है? अच्छा, वहाँ से उस वही से हॉस्टल नहीं चला है। यहाँ टोटल शिक्षक कितने हैं? ठीक है, सब मिला के हमरा मिला के 2 अध्यक्षपाल है, एगो रात में 3-5 हजार पर बहाली किया गया है, तो रात में आता है। आपको कितना वेतन मिलता है?
45,000 मिलता है। आपका ड्यूटी शाम कब से है, कितना बजे कितना बजे? हम तो 2400 घंटा रहते हैं। अच्छा रहते हैं, लेकिन ड्यूटी आपको निर्धारित हुआ ना कितना बजे कितना बजे तक हुआ? नहीं, हमारा निर्धारण है, गार्ड के निर्धारित नहीं रहता है। अच्छा निर्धारित नहीं, आप सेवा दे रहे हैं लगातार लगातार तो बहुत देख रहे हैं जो स्टाफ है। आपका नाम क्या हुआ? राम प्रवेश यादव जी हैं, एक स्टाफ है, इनका नाइट ड्यूटी रहता है। इनका कहना है कि मेरा जो यहाँ का सेवा है लगातार 2400 घंटा आप देते हैं स्कूल में, यहाँ के जितने भी बाउंड्री है स्कूल का जितना भी परिसर है ये देख रेख करते रहते हैं स्कूल में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय में कुछ शिक्षक नहीं है, बहुत ही निंदनीय बात है। विद्यालय में कोई देखने को नहीं मिल रहा है, सरकारी छुट्टी भी नहीं है, विद्यालय आज खुला रहना चाहिए, लेकिन विद्यालय परिसर में न छात्र है, कुछ छात्र 5-6 छात्र हैं, लेकिन मैट्रिक में है, इनका परीक्षा होने वाला है, फिलहाल स्कूल ही बंद है तो छात्र क्या रहेंगे, कोई शिक्षक ही नहीं है, छात्र रहने से क्या फायदा। तो ये स्थिति है खटांगी सरस्वती मंदिर उच्च विद्यालय सब गिरा हुआ ना, न बाउंड्री नहीं था तो फिर से बनना होगा ना, फंड तो आया होगा, बनने 3 करोड़ के रुपया के आया हुआ फंड, 3 करोड़ का यहाँ फंड है पूरे विद्यालय को मरम्मत करने के लिए, बनने बनाने में बाउंड्री और स्कूल कला रूम 3 महला के, 3 महला का आया है तो, लेकिन तो दिख तो नहीं रहा है, 3 करोड़ का फंड है तो 3 करोड़ तो बहुत बड़ा बिल्डिंग उठ जाएगा, लेकिन तो काम कहीं नहीं लगा हुआ, केवल देख रहे हैं कि बनने से 1 रोज 4 रोज करता है, 4 रोज के बाद बंद रहता है। आज कहा कि आज ढलैया है, आज कहाँ ढलैया हो, सर शिक्षा कुछ एक्शन नहीं लेते हैं ये हम लोग के, देखिए पूछना है तो मास्टर की कोई गदा नहीं करता है, आया था एक विजय सिन्हा, सफाई भी नहीं है विद्यालय में, तो कहा कि आप एक्सटेंशन में हम लोग ये ढहाया था यहाँ बनने के लिए, हम लोग कहा बनवाया जबरदस्ती बनवाया विजय सिन्हा ने। प्रचारक कौन है? प्रिंसिपल आयुक्त बाबू वो आते हैं रेगुलर यहाँ पर? हाँ वो रेगुलर आते हैं, शिक्षक भी रेगुलर आते हैं, रेगुलर अभी आते हैं। और पढ़ाई सही से होता है? पढ़ाई बहुत करता है। सब बच्चा लोग बोल रहा था कि यहाँ लाइब्रेरी नहीं खुलता है, लाइब्रेरी पुस्तक नहीं है, नहीं गलत बोलता था, गलत होता है, पढ़ने के लिए लिखने में 10 को लिखने आते, पढ़ने के लिए ना लिखना है, नहीं करता है। अब मास्टर साहब बोलेंगे तुम सब पढ़ने साहब, लेकिन क्या है अपने कहीं के अपना आते हुए सिला लीजिए, मास्टर साहब बोलेंगे फॉर्म नहीं भरने देंगे, पढ़ने नहीं आएगा तो लिखने नहीं आएगा, फॉर्म तो 10वां में भरता है लेकिन आता है, कितने के कटने किए हैं तो बस 50 को भर लेकिन आता है। स्कूल में खाना भी बनता है? नहीं खाना नहीं बनता, खाना नहीं बनता है, स्कूल में खाना बनता है। अच्छा अच्छा, तो आप यही रहते हैं इसी बिल्डिंग में? यही बिल्डिंग में हम रहते हैं। अच्छा, रात दिन आप देखते रहते हैं परिसर में कि कोई पढ़ते हैं सोते हैं? अच्छा अच्छा, तो फिर आगे कब स्कूल खुलेगा? खुलेगा जैसे परीक्षा खत्म हो जाएगा खुल जाएगा। अभी स्कूल में कोई नोटिस आया है? कुछ नहीं, ऐसा ही स्कूल बंद है, कुछ नहीं, परेशान से हो गया, नोटिस निकाल के निकाले हैं अथी रजिस्टर में हेडमास्टर निकाल के सब गए हुए हैं, आगे लिखना चाहिए ना, आगे सूचना ना लिखे रजिस्टर में जो हो रहा था सरकारी ना, रजिस्टर बंद करके चले गए तो रजिस्टर आकर कौन देखेगा? कहीं न कहीं लापरवाही शिक्षकों को दिख रही है, इनका कहना है स्कूल में बहुत 3 करोड़ का यहाँ फंड है, बताइए 3 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता है स्कूल में, स्कूल एक प्रतिष्ठा था इस स्कूल का, गौरवान्वित इतना इतिहास रहा है इस स्कूल का, और आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, एक समय में यहाँ न जाने कितने जिले के लोग पढ़ने आते थे, आज इस स्कूल से बहुत अच्छे अच्छे पद पे लोग प्रतिष्ठित हैं, और आज स्कूल की ऐसी स्थिति है, भवन तक नहीं है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, कोई सरकारी नोटिस नहीं है यहाँ बंद करने का, फिर भी स्कूल बंद है, बताइए स्थिति है इस स्कूल की, बहुत दिक्कत में है स्कूल, जैसा कि इन्होंने बताया, किसे आप तो बता रहे हैं, सूचना पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बाहर नहीं लिखे, बाकी रजिस्टर पर लिखे, बाहर लिखेगा ना, कोई भी बाहर से आएगा तो उनको दिखना चाहिए ना किस कारण से बंद है, यहाँ छात्र आते होंगे उनको छात्र भी बोल रहे हैं जानकारी नहीं है, ये स्थिति स्कूल की है, सरकार भी इस पर ध्यान दे, केवल 3 करोड़ फंड दिया गया है, इसका जांच हो आखिर 3 करोड़ का क्या क्या काम दिख रहा है यहाँ, और आने वाले समय में कितने दिनों में इसका निर्माण होगा इस स्कूल का, इन सारी बातों पे जिला प्रशासन अरवल जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे इस पर अच्छे से जांच हो और स्कूल को नियमित चालू किया जाए, और भी अगर स्कूल खुलेंगे जो भी शिक्षक आएंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे, फिलहाल अभी इसमें कोई नहीं है। बिहारी कलम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, शिक्षा सुधार अभियान को आप अधिक तेजी से आप खूब शेयर करें ताकि ये अभियान अच्छे से सफल हो, एक अच्छे विकास बिहार में दिखे शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बहुत धन्यवाद।